हार्ड हिटिंग डायलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो के टॉपिक्स हैं, बीजेपी को छोड़ बिहार के हर दल में हो रही टूट, नीतीश की पार्टी जेडीयू टूट की सबसे बड़ी शिकार, आरजेडी छोड़ रहे मुस्लिम नेता ओवैसी समझा रहे, जेडीयू छोड़ने वाले नेताओं का बीजेपी बनी ठिकाना। दोस्तों, बिहार में विपक्षी दलों की बैठक टल गई है। जिस अंदाज में नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी दी, उससे तो यही लगता है कि अब विपक्षी एकता की बतकही बेकार है। नीतीश ने कहा कि राहुल गांधी के बिना बैठक का कोई मतलब ही नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि शनिवार तक 12 जून की बैठक की जानकारी देने वाले नीतीश कुमार को अचानक ये ज्ञान हुआ कि राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अपनी व्यस्तता है। बहरहाल, विपक्षी दलों की बैठक हो न हो, बीजेपी अपने प्लान पर अब तक अमल शुरू करने वाली है। बीजेपी ने बिहार के लिए 3-टायर प्लान बनाया है। विपक्षी नेताओं को तोड़कर विपक्षी दलों को कमज़ोर करो, विपक्षी दलों से अलग होने वाले नेताओं को अपने साथ जोड़ो, इतना हो गया तो जीत पक्की मानो। दोस्तों, विपक्षी नेताओं को तोड़कर बीजेपी जब अपने साथ जोड़ेगी तो उसका फलक बड़ा होगा। जेडीयू से जिस तरह उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए और अपनी अलग पार्टी आरएलजेडी बनाई, वह भाजपा के हक और हित में ही है। आरएलजेडी जल्दी एनडीए का हिस्सा बन जाएगी। हम पार्टी के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी जिस तरह बौखलाए हुए हैं, उसके पीछे बीजेपी का दिमाग माना जा रहा है। मांझी ने लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन से 5 सीटों की मांग की है। दरअसल, उन्हें महागठबंधन से अलग होने का कोई न कोई बहाना चाहिए। कई मौक़ों पर वह नीतीश कुमार पर उंगली उठा चुके हैं। नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की, तब भी मांझी भड़क उठे थे। उन्होंने अपने बेटे को तेजस्वी से अधिक काबिल बताया था। अब तो मांझी ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी को ही खा और पचा जाना चाहते हैं। मांझी के रुख से भी लगता है कि वो महागठबंधन में अधिक दिनों के मेहमान नहीं हैं। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह से उनकी एक बार मुलाकात हो चुकी है, इसीलिए माना जा रहा है कि हम भी आने वाले दिनों में एनडीए का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कभी कहा था, जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, जितना जल्दी हो चले जाएं। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद आखिरकार उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू को बाय बाय बोल दिया। उसके बाद जेडीयू से नेताओं का जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तक जेडीयू से 6 बड़े नेता जा चुके हैं। जेडीयू से जाने वालों में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के अलावा पूर्व सांसद मीना सिंह, माधव आनंद, सुहेली मेहता, पूर्व सांसद मोनाजिर हसन, शंभुनाथ सिन्हा और राशि खत्री जैसे नेता शामिल हैं। इनमें अधिकतर तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। जो नहीं कर पाए हैं, उन्हें ज्वाइन कराने को बीजेपी तैयार है। दोस्तों, आरजेडी में भागने वालों की रफ्तार अभी धीमी है, लेकिन आने वाले दिनों में इसमें तेजी आ सकती है। दरभंगा में कई मुस्लिम नेताओं ने आरजेडी छोड़ ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन कर ली है। दरभंगा से बड़े कद के नेता माने जाने वाले अली अशरफ फातमी ने आरजेडी को बाय बाय बोल दिया। उन्होंने जेडीयू ज्वाइन किया है। तो दरभंगा के ही मोहम्मद कलाम ने आरजेडी छोड़कर AIMIM की सदस्यता ले ली है। उनके साथ आरजेडी के कई और नेताओं ने भी AIMIM ज्वाइन की है। मोहम्मद कलाम ने कहा कि अब आरजेडी में मुस्लिम नेताओं के लिए कोई जगह नहीं रह गई है, आरजेडी मुस्लिम विरोधी पार्टी बन गई है। कलाम की योजना है कि दरभंगा में AIMIM का सदस्यता अभियान शुरू करेंगे। दरभंगा में 10 विधानसभा क्षेत्रों में 4 लाख से ज़्यादा लोगों को मेंबर बनाने का लक्ष्य है। माना जाता है कि AIMIM की मजबूती से बीजेपी को ही फायदा होता है। वोटों के गुणागणित में बीजेपी का मानना है कि बिहार में अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया तो उसकी राह आसान हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।